अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 15 अक्टूबर को हांगकांग लोकतंत्र अधिकार विधेयक को पारित किया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। इसका उद्देश्य अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम को कानून बनाने से पहले अभी सीनेट से पारित होना है। अमेरिकी कांग्रेस में इसे दोनों दलों का पूरा समर्थन मिला है। इस कानून के अनुसार हांगकांग अमेरिका विशेष व्यापार की स्थिति तभी तक बनी रहेगी जब तक कि विदेश विभाग सालाना प्रमाणित करता रहेगा कि शहर के अधिकारी मानवाधिकारों और कानून के शासन का सम्मान कर रहे हैं। विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे लोगों की पहचान करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार देता है जो हांगकांग में स्वायत्तता और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हैं। चीन ने विधेयक के पारित होने पर कड़ा आक्रोश जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित हांगकांग बिल का मुकाबला करने के लिए चीन कड़े उपाय करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुओंग ने एक बयान में कहा कि हांगकांग तथाकथित मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दों का सम्मान नहीं कर रहा है, बल्कि वहां हिंसा को रोकने, आदेश को लागू करने और जल्द से जल्द कानून के शासन को बनाए रखने का मुद्दा है। विधेयक के प्रमुख प्रायोजक रिपब्लिकन प्रतिनिधि क्रिस स्मिथ ने कहा कि आज हम बस चीनी राष्ट्रपति और हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम से आग्रह कर रहे हैं कि वे हांगकांग के लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा के चीन की सरकार के वादे का ईमानदारी से सम्मान करें। उधर चीन ने अक्सर हांगकांग में अशांति फैलाने के लिए बाहरी बलों पर आरोप लगाया है। पिछले कुछ महीनों से लाखों लोगों ने हांगकांग की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन हांगकांग के आरोपियों को चीनी मुख्य भूमि पर प्रत्यर्पण की अनुमति देने के विरोध में किए जा रहे हैं। महीनों से चल रहे इस आंदोलन का हांगकांग में व्यापक विस्तार हुआ। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कभी कभी हिंसक भी हो गए। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 1997 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से चीन को हस्तांतरित किए जाने वाले लिखित समझौते के बावजूद हांगकांग के लोगों की लोकतांत्रिक आज़ादी को खत्म करने की कोशिश चीन कर रहा है। प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि हांगकांग पर बीजिंग पकड़ कड़ी कर रहा है, जबकि एक देश दो प्रणालियों के तहत हांगकांग को 50 साल की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। अमेरिकी सदन के डेमोक्रेटिक सदस्य बेन रे लुजेन ने कहा, सदन ने सिर्फ हांगकांग के लोगों को एक मजबूत संदेश भेजा है कि हम लोकतंत्र और न्याय की लड़ाई में आपके साथ हैं। हाउस के रिपब्लिकन सदस्य मारियो डियाज बलार्ड ने कहा कि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि हांगकांग के साथ विशेष संबंध तभी तक रहेंगे जब तक कि हांगकांग स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। हांगकांग को आंसू गैस जैसे कुछ गैर घातक भीड़ नियंत्रण वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक अन्य विधेयक को भी सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शहर के अधिकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने संयम बरता है। उधर हांगकांग की नेता कैरी लैम को बुधवार को सांसदों के हंगामे की वजह से अपना नीतिगत भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने 5 मांगे एक कम नहीं के जैसे नारे लगाए। इन मांगों में शहर के लिए सार्वभौमिक मताधिकार और अशांति से निपटने में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की एक स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। पुलिस ने जून से अब तक 2300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारों लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 को गोलियां भी लगी हैं। 2012 में सत्ता में आने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती अशांति है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन को विभाजित करने के किसी भी प्रयास को कुचल दिया जाएगा।